हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे वनीला आइसक्रीम घर में, वो भी केवल तीन चीजों से। इसके लिए हमने लिया है ये क्रीम, फ्रेश क्रीम, कंडेंस मिल्क और ये वनीला एसेंस। अब सबसे पहले हम एक फ्रेश क्रीम डालेंगे। इसे हमें 10 मिनट हो गए हैं बीट्स करते हुए। देखिए, हमारी क्रीम है ऐसे ड्रॉपिंग नहीं हो जानी चाहिए जैसे ये ड्रॉप कर रही है। अब हम इसमें अपने बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। 1 चम्मच वनीला एसेंस, उसके बाद हम इसमें 200 ग्राम कंडेंस मिल्क। यह आपकी मर्जी पर भी डिपेंड करता है जितनी आप इसको मीठी रखना चाहते हैं। अब हम इसे अच्छे से दोबारा से विस्क करेंगे 5 मिनट के लिए। डायरेक्शन में वॉल्यूम ऐड होने तक बीट करना है। देखिए, 5 मिनट तो मुझे हो गए हैं लेकिन अभी इसमें 2 मिनट का टाइम और लगेगा। ऐसे फ्रीज होने के लिए डाल देते हैं। देखिए, मेरे पास ये कंटेनर है, मैं इसमें डाल देती हूँ इसको, इस पूरे में। अब हम इसे फॉइल की हेल्प से, अगर आपके और इसमें ढक्कन लगाकर इसको फ्रिज में ओवरनाइट रख सकते हैं या फिर कम से कम 10 घंटे के लिए हम इसे फ्रिज में रखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रख दिया था, उसके बाद मैंने इसको निकाला है। मैं आपको इसके निकाल के इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। देखिए, ये देखिए, पास से देखिए इस पे कैसे बबल्स जैसे आए हुए हैं, कितना प्यारा टेक्सचर आया हमारी आइसक्रीम का। मैं इसको आपको कट करके भी दिखाती हूँ। देखिए, देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा टेक्सचर आया हमारी आइसक्रीम का। अब मैं इसको सम थोड़े से डेकोरेशन से इसको हम डेकोरेट कर देते हैं। हमारी आइसक्रीम बन के तैयार है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।